हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करे जिससे हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं ऐसे पौधों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके कई सारे चमत्कारिक गुण हैं। ये पौधा भारत में लगभग सभी घरों में पाया जाता है, लोग इसकी पूजा प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं ये पौधा कौन है और इसके चमत्कारिक गुण क्या हैं। इस पौधे का नाम है तुलसी, जो कि हमारे आपके घरों में पाई जाती है और इसकी पूजा प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, जो इसका साइंटिस्ट नेम होता है, उसको कहते हैं ओसिमम सैंगटम। ये दो प्रकार की होती है, एक हमारी श्याम तुलसी जो बैंगनी हरे कलर की होती है, दूसरी हमारी होती है श्री तुलसी जो हरे रंग की होती है। अगर हम औषधीय गुणों के मामले में देखते हैं तो हमारे जो श्याम तुलसी है, जो हमारी हल्की बैंगनी हरी कलर की होती है, वो तुलसी जो होती है वो औषधीय गुणों में अच्छी होती है, उसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि तुलसी में कौन कौन से औषधीय गुण हैं। दोस्तों, आजकल लोग ताकत पाने के लिए बहुत सारी औषधियों का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, च्यवनप्राश आदि औषधियों का सेवन लोग ताकत पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में तुलसी का पौधा है तो आपको महंगी महंगी औषधियाँ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुलसी के पौधे से भी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। आप तुलसी का जो पौधा होता है उसमें जब बीज आ जाते हैं तो हमें ताकत पाने के लिए लगभग 90 ग्राम बीज लेना है और उसमें 400 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपके शरीर में ताकत आने लगेगी और आपकी जो कमजोरी है वो भी दूर होगी। और बहुत लोगों के बालों में डैंड्रफ आ जाता है, अगर इसको भी दूर करना है तो आप तुलसी के पत्ते को लेकर उसका रस निकाल के आप बालों में लगा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो हमारे बाल हैं, बालों में जो डैंड्रफ है वो भी ख़त्म होंगे, अगर बालों में जुए पड़ जाते हैं तो भी ख़त्म होंगे। बुखार में भी तुलसी का काढ़ा पीना बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का बुखार है, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, किसी भी वजह से अगर बुखार आ रहा है तो अगर हम तुलसी का काढ़ा लगातार पी रहे हैं तो उससे हमें आराम मिलता है। आइए बताते हैं आपको कि तुलसी का काढ़ा बनाते कैसे हैं। हमें दोस्तों 4-5 पत्ती लेनी है तुलसी की, उसमें गिलोय हमारी आती है, गिलोय जो हमारी होती है उसको अदरक के जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उसको किसी चीज़ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेना है और उसको उबालना है पानी में, 2 गिलास पानी में डालकर उबालना है। और हमें तब तक उबालना है जब तक वो 2 गिलास पानी हमारा 1 गिलास ना बचे। जब 1 गिलास पानी बचेगा तो उसको हम हल्का सा ठंडा करने के बाद पी सकते हैं, पीने लायक जब ठंडा हो जाए तो उसको हम पी सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का बुखार अगर आपको है तो वो निश्चित रूप से दूर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक्स करिए, शेयर भी करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।